कोल इंडिया में कमर्शियल माइनिंग, कोल ब्लॉक आवंटन, एफडीआई समेत कई मामलों को लेकर ट्रेड यूनियन और मजदूरों का विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। इसी कड़ी में बागमारा के बीसीसीएल सिजवा क्षेत्र संख्या 5 के निचितपुर कोलियरी परियोजना पदाधिकारी के समक्ष मजदूर यूनियन संयुक्त मोर्चा ने काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। कल भी प्रदर्शन हुआ और आज भी प्रदर्शन जारी रहा। कमर्शियल माइनिंग का विरोध है ये, दूसरे दिन भी ये विरोध प्रदर्शन, सरकार के फैसले का विरोध। ये सरकार आगामी 6 साल से, जब से 2014 से सरकार बनी है, 23 कंपनियां सार्वजनिक कंपनियां बेच चुकी है और शुरू से कोल इंडिया का बेचने का इन्होंने मनसा बना करके रखा है। लेकिन हमारे मजदूरों को एकता और मजदूर यूनियनों की एकता के चलते जोरदार विरोध लगातार होते आ रहा है, जिसके चलते ये स्थगन करते करते अभी तक 6 साल पहुंच गया है। लेकिन इसकी मनसा हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। हम लोग विरोध प्रदर्शन का सरकार का गलत नीति के खिलाफ हम लोग आज काला बिल्ला लगा करके पूरे श्रमिक लोग या और भी जितने भी हमारे बीसीसीएल के लोग हैं, सब आदमी लोग इसका विरोध किए।